नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज और उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में गरीब युवती की शादी के लिए आगे आई महिलाएं। जी हां, नगर स्थित राजस्थान भवन में मारवाड़ी युवा मंच की महिला चेतना शाखा की पदाधिकारियों की बैठक हुई। सदस्यों ने एक गरीब युवती की शादी के लिए उसे नकदी सहित सामान प्रदान किया। बैठक में महिला चेतना शाखा की अध्यक्ष राधिका थरड़ ने बताया कि हमारी शाखा के सदस्यों ने आज शहर के ताजोपुर निवासी अनित्या प्रजापति को शादी का सामान प्रदान किया। इस दौरान उसमें शादी का जोड़ा, सिलाई मशीन, 11 साड़ी, नगद पंखा, घड़ी, बर्तन, सौदर्य का सामान आदि मौजूद था, सामान दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि समाज में बराबरी का हक सभी को मिले, इसलिए ये काम किया गया है। इस दौरान मुख्य रूप से सचिव रानी अग्रवाल, रंजना रयालान, अंजू थरड, अंजू सक्सेरिया, प्रीति अग्रवाल, रितु तुलस्यान, रितु अग्रवाल, प्राची, ज्योति, ललिता, शिल्पी खंडेलवाल, सुषमा रुंगटा, पूनम अग्रवाल, अंजना खंडेलवाल, सीमा केडिया, सोनल आदि मौजूद रही। किस तरह का आज कार्यक्रम था यहाँ पे मारवाड़ी युवा महिला शाखा द्वारा? भैया, आज जैसे हमें, हमारे मंच हमेशा समाज सेवा करती रहती है, तो आज जैसे ही हमें पता चला कि गरीब कन्या का विवाह होने वाला है और वो बहुत निर्धन है और उसको बहुत सामान की ज़रूरत है, तो हमारे मंच ने इसमें आगे इनिशिएटिव लिया। अर्चना प्रजापति ताजोपुर की ये लड़की है, इसका विवाह जुलाई में होने वाला है। हमने सोचा कि इसको कुछ दिया जाए, तो हमारे सारे मेंबर्स ने अपनी तरफ से कुछ कुछ दिया, साथ में हमारे मंच ने सिलाई मशीन भी इसको एक दी, ताकि ये आगे चल के भी अपना रोजगार ले सके और हम लोग वुमन एम्पावरमेंट में भी ध्यान दें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।